दोस्तों, हम लोग बहुत सुनते हैं आजकल एक शब्द कॉमन, हाइब्रिड। क्या है ये हाइब्रिड? हाइब्रिड, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो हाइब्रिड का मतलब है कोई भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन। तो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं, टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है। कोई भी दो टेक्नोलॉजी को मिलाकर कुछ नया क्रिएटिव बनाना, कुछ नया सोचना, वो है हाइब्रिड। कुछ नया गाड़ी में, उसमें एनिमल्स, मतलब हर चीज में हम सुनते हैं हाइब्रिड। आज जो आपसे बात करने वाली हूँ वो है हाइब्रिड रिटायरमेंट लाइफ। क्या है हाइब्रिड रिटायरमेंट लाइफ दोस्तों? एक्चुअली क्या है, जब हम लोग रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं ना, चाहे आप, मैं, कोई भी, तो हमारे दिमाग में जाता है कि एक रिटायरमेंट एज 55, 60, 65, मतलब मेनली जो हम सबके बैक ऑफ द माइंड चलता है वो चलता है रिटायरमेंट एज के बारे में। बट आपने सोचा है कि जो हमारी रिटायरमेंट एज जो है, जो हमारी 65 या 70 के बाद हम जो निकालते हैं, वो रिटायर्ड लाइफ नहीं होती है, वो एक टायर्ड लाइफ होती है। रिटायरमेंट इज नॉट अबाउट एज, रिटायरमेंट इज अबाउट समथिंग, यू कैन से इट्स लाइफस्टाइल। जो आपका रिटायरमेंट स्पैम है वो लाइफस्टाइल है। अगर आज मैं एक मनी का पार्ट बीच में से निकाल दूं, हटा दूं कि मनी, तो आप क्या करना चाहोगे? क्या आपकी ख्वाहिश है? आई थिंक कोई ये कहेगा कि मुझे वेकेशन पे जाना है, किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, और किसी को, मतलब कुछ लोगों को तो एक्साइटमेंट होती है कि मुझे अपने स्कूल टाइम में वापस जाना है, स्कूलिंग करनी है, फ्रेंड्स के साथ बातें करनी है, आउटिंग पे जाना है, खाने में जाना है, मुझे खाने में ये पसंद है, मतलब ये सब चीजें आपको करना पसंद है। तो ये सब चीजें करने के लिए क्या आपको लगता है कि जो लाइफ है 65 या 70 के बाद जो आप रिटायरमेंट लाइफ करेंगे, उस टाइम पे ये सब चीजें करने की एनर्जी होगी आपके अंदर? तो रिटायरमेंट, तो आप ये सोचो कि जब एक बच्चा अपनी 20s में अपनी स्टडी कर रहा होता है, तो 20 से 35 का जो उसका टाइम है, वो उसका पूरा फोकस होता है कि मेरे को अपने कैरियर पे, अपने जॉब में, जिस भी चीजों में अपना ध्यान लगाना है, वो अपना पूरा फोकस वहां लगा कर चलता है। और 35 तक आते आते वो अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ में आ जाता है। उसको पता होता है कि आगे मेरा ये कैरियर है और ये मेरा जॉब है जो मेरा आगे तक जाएगा जाएगा। लेकिन जो 35 से 70 का जो टाइम होता है, वो जो टाइम है वो उसके अंदर फुल ऑफ लाइफ है, वो एनर्जी से भरा हुआ है। उस टाइम वो अपने शौक पूरे करना चाहता है, वो अपनी हॉबीज करना चाहता है, और ऐसा नहीं है काम भी वो काम नहीं छोड़ना चाहता उस टाइम, मतलब। तो उस टाइम आपको अपने लाइफ की ये सब चीजें करनी शुरू करनी होती है, मतलब आपको लाइफ एंजॉय करनी है, आपको एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी पे जाना है, स्टेकेशन पे जाना है, फ्रेंड से मिलना है, और साल में अगर आप सोचो 1 महीना मैं जाकर अपने ड्रीम वेकेशन पूरा करूं, तो ये सब चीजें करने के लिए उस टाइम एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी भी है और आप उसको उस टाइम पे कर सकते हो। तो वो प्रॉपर रिटायरमेंट लाइफ नहीं है आपकी, बट आपको एक टू बी रिटायर्ड है, मतलब आपको उस टाइम पे अपने सारे शौक भी पूरे करने हैं, अपनी हॉबीज पूरी करनी है, और अपना घर को भी मैनेज करना है। तो ये जो आपका 35 से 70 का जो टाइम है, जो 65-70 का जो टाइम है, वो है आपका हाइब्रिड रिटायरमेंट स्पैन। तो आपको अपने हाइब्रिड रिटायरमेंट प्लान, उसको कैसे आप और ज्यादा एनर्जाइज कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो? क्योंकि दोस्तों ये सब आप अगर सोचोगे कि हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर प्लानिंग हो लगेगी, आपको देखना होगा कि मुझे कैसे करना है, एक स्ट्रैटेजी आप उसके ऊपर बनाओ, आप उसके ऊपर वर्कआउट करो। क्योंकि उस टाइम पे आपको अपने ये सब चीजें पूरे करने के लिए एक अलग से एक गारंटेड इनकम की जरूरत होगी। तो आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए और इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि मैं अपने हाइब्रिड रिटायरमेंट स्पैम को कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। अदरवाइज दोस्तों लाइफ जो है ना, वो टायर्ड बनकर ही रह जाएगी। क्योंकि 65 और 70 के बाद जो आप एंजॉय करते हो वो फुल रिटायरमेंट है, वो आपका हाइब्रिड रिटायरमेंट नहीं है। दोस्तों लाइफ एक ही बार मिलती है, यू ओनली डाई वंस, डोंट थिंक कि लिव वंस, मरना भी एक ही बार है। तो जस्ट एंजॉय योर हाइब्रिड रिटायरमेंट लाइफ। दोस्तों मेरा नाम पूनम गुप्ता है और मैं एक रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ।
आप मुझसे डिस्कस कर सकते। धन्यवाद।